हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, यह है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक प्लास्टिक सेक्टर की कंपनी, इसको मान के चलिए। और अगर आप इसका शेयर प्राइस देखें तो 73 रुपीज़ का शेयर प्राइस है। ज़बरदस्त उछाल देखा गया था इसमें, ऑलमोस्ट 4% के BSE पे इस रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का रिजल्ट आया। अभी रिजल्ट के बारे में जानते हैं, कैसा रिजल्ट रहा और किस तरीके का रिजल्ट इसका रहा और किस तरीके का फ्यूचर दिख रहा है इस कंपनी का, छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अभी देखिए, अगर आप देखें रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, ये देखिए, अगर आप इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो एक स्मॉल कैप की कंपनी ज़रूर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1800-1900 करोड़ का है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कंपनी है, तो पॉजिटिव देखिए, बहुत इंप्रूव हुआ है इसका इस रिजल्ट में। जो इसका स्कोर है वो 12 से 22 चला गया, तो बहुत वेरी पॉजिटिव इसका एक सेंस दिख रहा है इसके फ्यूचर से रिलेटेड, इसके स्कोर के बेस पे। चलिए जानते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट, किस तरीके के काम करती है कंपनी। एक लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, PVC कहते हैं को, जो PVC बेस्ड प्रोडक्ट है, उनका टॉप की कंपनी, उनकी टॉप का मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। अब PVC अगर आप देखेंगे कि जो विनाइल फ्लोरिंग होती है, ये फ्लोरिंग आप देख रहे होंगे इमेजेस में, रेजिडेंशियल फ्लोरिंग है या फिर ये स्पेशलिटी फ्लोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वायरमेंट्स हैं, इस तरीके की फ्लोरिंग ये करती है। जो PVC फ्लोरिंग होती है उसमें इसका काम है। आर्टिफिशियल लेदर क्लॉथ का देखिए, आपको सीट बेल्ट होगा, सीट का कवर दिख रहे होंगे, आपको सीट्स दिख रही होंगी, तो ये सब इस तरीके के प्रोडक्ट्स इसका काम है। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखता है इसके फ्लोरिंग टाइप में, या फिर इस तरीके जो इसका प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक अच्छे टाइप का फ्यूचर दिखता है जरूर। तो अगर आप देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने बताया था, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के अराउंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है। PE रेशियो 44 का है। अर्निंग पर शेयर 1.63 का है। फेस वैल्यू 1 की है। बुक वैल्यू 39 के। 52 वीक लो देखा जाए तो 35 का एंड 52 वीक हाई 105 रुपीज़ का है। और अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट देखिए किस तरीके का रिजल्ट रहा है इस छोटी सी कंपनी का। और स्मॉल कैप कंपनी 4 करोड़ का रिजल्ट यहाँ पे, फिर 3 करोड़ का यहाँ पे, फिर देखिए 16 करोड़ और फिर 18 करोड़। तो आप ये देखिए कि मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में, जून क्वार्टर में, और फिर अब जाके नेट प्रॉफिट सेप्टेम्बर क्वार्टर में बहुत बेहतरीन। अगर आप देखें यहाँ पर जून क्वार्टर में, ऑल दो सेल्स की फिगर मार्च क्वार्टर से कम थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। और अगर आप देखें सितंबर क्वार्टर में भी अच्छी खासी सेल्स की फिगर है, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो आगे उम्मीद करते हैं कि और अच्छा प्रॉफिट इसको देखने को मिले। टोटल डेट अगर देखा जाए तो 155 करोड़ का है। टोटल एसेट्स भी बहुत बढ़िया, 770 करोड़ के हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है, टाइम टू टाइम डिविडेंड जरूर पे करती है, 10 पैसे का मात्र डिविडेंड पे करती है ये कंपनी। और बोनस की बात करें तो 2007 में 3:1 का बोनस दिया था, मतलब हर एक शेयर पे 3 शेयर के बोनस दिए थे इस कंपनी ने। स्प्लिट की बात करते हैं तो ओल्ड जो फेस वैल्यू थी इसकी, 2010 में 10 रुपये की फेस वैल्यू स्प्लिट होकर 1 रुपये में कन्वर्ट हो गई थी। एक नज़र डालते हैं इसके ग्राफ पे। अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें आपको ज़्यादा हाई एंड लो, एक नॉर्मल एक कंसोलिडेटेड जोन दिख रहा है ग्राफ में। एक बार 2015 में बहुत ज़बरदस्त पीक आया था, जो आप ये देखिए कि 70 के प्राइस से जो पीक आया था, ऑलमोस्ट 209 के प्राइस तक चला गया था, फिर वहाँ से एक डाउन देखने को मिला है और एक स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है। अभी थोड़ी टाइम पहले ही ये स्टॉक 32-33 रुपये के राउंड चला गया था, लेकिन फिर वहाँ से जंप करके ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तक टच गया। तो ये मल्टीपल लाइंस आपको दिख रही होंगी सपोर्ट जोन्स की, किस रेंज जोन्स की। अभी जो है स्टॉक की रेंज मुझे दिख रही है वो 100 रुपीज़ से 40 रुपीज़ की रेंज दिख रही है, कि 40 रुपीज़ से कभी भी जंप कर सकता है स्टॉक 100 रुपीज़ तक। इस रेंज अभी देखिए कि 5-6 महीने के अंतराल में, अगर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी तो 30 रुपीज़ के अराउंड और इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ का इसका रिजल्ट आया था वो मैंने शेयर किया आपके साथ, और बहुत टॉप का एक इसका एक ग्रोथ दिख रहा है अभी, जिस तरीके से इसके क्वार्टरली प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।